विशाल पार्टी करे। एक्सक्यूज मी मैम, आप शायद ब्यूटी पार्लर की जगह सैलून आ गई है। नो सर। हे गुप्ता, क्या कर रहा है? पार्टी कर रहा है? ठीक सब। Hey, what happened? लॉकडाउन में भिखारी बहुत ज्यादा बढ़ गए यार। छुट्टा नहीं है भैया? अरे नहीं भैया नहीं, मेरे बीवी ने मेरा बाल कटवा दिया। तो कुछ हो सकता है क्या भैया? ये बाल लेके ऑफिस कैसे जाऊं? कुछ करो भैया प्लीज। राम पार्टी करे। अबे स्वाति, जल्दी कर, सब्जी वाला चला जाएगा। आगे तू मेकअप कर रही थी क्या? मेकअप कहाँ कर रही थी? अबे घूमने नहीं, गेट के पास ही जा रहे हैं। हाँ श्रीकांत, क्या कर रहा है? पार्टी कर रहा है? हाय मैम, हाउ मे हेल्प यू? सो आंटी, मुझे ना क्लेंजिंग, टोनिंग, स्क्रबिंग, मॉइस्चराइजिंग, एक्चुअली ना आप पूरा अच्छा वाला फेशियल ही कर दो। उसके बाद ना मेरा मैनिक्योर, पेडिक्योर और थ्रेडिंग। हाँ देखिए ना, लुक थोड़ा लड़कों जैसा आ रहा है। हाँ मैं लड़की ही हूँ। मेरा थ्रेडिंग, मेरा अपर लिप्स, आईब्रो और ना आंटी आप वैक्सिंग भी कर देना। सो फुल आर्म्स एंड लेग्स एंड अभी तो उतना ही कर दीजिए, उसके बाद देखेंगे। थैंक यू सो मच दीदी। कितना हुआ? मैम आपका हो गया 10,000 रुपीस ओनली। दस हजार कैश या कार्ड? गूगल पे कर दूँ? यस मैम, गूगल पे भी चलेगा। 10,000 हो गए, कलर भी नहीं। ठीक है ठीक है मैम, फिर से आइएगा। हाँ ठीक है बच्चों, तो मैं ऑफिस चलता हूँ। ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा और उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन तुम लोग घर में बिल्कुल शैतानी मत करना, मम्मी को बिल्कुल परेशान मत करना, मैं जल्द लौटूंगा। ठीक है, राम राम। जी नमस्ते। तो देखिए लॉकडाउन के बाद, मतलब खुलने के बाद, मम्मियों का काम तो सेम ही रहता है ना। मैं तो सुबह उठ के रात तक काम करना ही पड़ता है, तो वो लॉकडाउन हो नहीं हो, बस ये है कि मतलब जो बच्चों की खुशी वो हमारी खुशी। ये ड्रेस लूँ या वो ड्रेस लूँ, मिंत्रा से लूँ या ज़ारा से लूँ, कहाँ से लूँ कहाँ से लूँ, इतना ऑप्शन कहाँ से लूँ। तू फिर से फ़ोन देख रही है? वो मिंत्रा, वो अमेजोन, मैं अभी डिलीट करती हूँ। नहीं मम्मी, बाहर कोई गाना गा रहा था, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। So we go to the shelter to shop for the fish. चुपचाप बैठ के पढ़ेगी? हाँ मम्मी। मतलब कोई कोई सीरियस
सीरियसनेस नाम की चीज़ नहीं है। ठीक है सॉरी, तो मैं क्या बोल रही थी कि हाँ, जो बच्चों की खुशी वो हमारी खुशी, तो उसके अलावा मैं ये चाहती हूँ कि वो नीता की बेटी का अभी एक बच्चा होने वाला है, सो शी इज़ प्रेग्नेंट, तो मैं सोच रही थी कि उसको खाने पे बुला दूँ। लेकिन ये लॉकडाउन के चलते ना मैं खाने पे नहीं बुला पा रही थी, तो पहला काम तो वो करना चाहती हूँ। और मम्मी, घर में कुछ सब्जी ख़त्म हो गई है क्या, मैं ले आऊँ? कोई सामान की ज़रूरत नहीं, चुपचाप घर में बैठ। Denied. ठीक है, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, पापा बोल रहे थे, मैं जाके जमा कराऊं। क्या कर रहा है वहां पर तू? मम्मी, वो गुप्ता अंकल का बेटा ना, वो गिर गया है, मैं थोड़ा देख के आ जाऊं। प्लीज मम्मा, मुझे बाहर जाने दो मम्मा। सुबह से नाश्ता बनाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, घर की सफाई करो, इन लोगों के कपड़े साफ करो, मतलब इतना काम करो। एक बार भी ये नहीं कि मम्मी आपका हेल्प कर दो, नहीं वो नहीं हो सकता। लेकिन जनाब को देखो, अभी निकले हैं, नहीं बोला ना मैंने? कुछ नहीं, कोरोना वायरस कहीं चला नहीं गया है, चुपचाप घर में बैठ। बड़ा आया बैग पकड़ के। मम्मी, कुछ बाहर से लाना है। सॉरी, तो मैं क्या बोल रही थी? वही छोटी छोटी चीजें जो मैं नहीं कर पा रही थी। बेटा लंच हो गया, बेटा लंच हो गया, ठीक है, मैं खाना, टाइम हो गया, मैं थोड़ा खाना, ठीक है जी। बैठो बच्चों, बैठो। तो बताओ, इस लॉकडाउन से तुमने क्या सीखा? पापा, मैं बोलती हूँ पहले। तो मैंने सीखा है कि जब भी हम लोग शॉपिंग करें ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर का कपड़े खरीदें, नहीं, बाहर के कपड़ों से घर का कपड़ा खरीदना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वरना मेरा वो पिंक, येलो और ग्रीन टॉप की तरह मम्मी सारे टॉप को पोछा बना दी। मतलब आई मीन कि अगर ज्यादा घर के कपड़े हो तो भगवान। शाह, कैसे बैठी है मम्मी तुम्हारी तक? अच्छा आंसर तो दिया। तो पापा, मैंने इस लॉकडाउन से ये सीखा है कि फैमिली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। बेटा वाह, कोई कोई जरूरत नहीं आता, तो फैमिली ही है जो जरूरत आता है, और फैमिली हमसे बहुत प्यार करता है। 2000 रुपये मिलेगा क्या? क्यों पापा? एक्चुअली मुझे दारू खरीदने जाना था। Say what? क्योंकि पापा, इस लॉकडाउन में मैंने ये सीखा कि दारू ही है जो देश की इकोनॉमी में इस बार सबसे ज्यादा काम आया है। जब देश का इकोनॉमी गिर रहा था, तो लोगों ने दारू पी पी के टैक्स भर भर के इस देश का इकोनॉमी संभाला है पापा। तो मैं भी इस देश का सेवा करना चाहता हूँ। मैं भी 70% टैक्स दे के दारू खरीद के देश की उन्नति में सहयोग करूँगा। सो बाय लिक्वर एंड सेव द कंट्री। गेट ओवर हियर। चुपचाप मेरी आँखों के आगे से निकल जा, वरना इतना मारूंगा देश का उन्नति हो ना हो, तेरा पूरा उन्नति करके छोड़ूंगा। निकल, अभी निकल। गलती हो गई पापा, गलती हो गई। देख लीजिए, आपके लाडले को देख लीजिए।
देखा अपने लाडले को। हे भगवान, क्या होगा इस लड़के का, कहाँ से तूने ये बुरी आदत सीखी। भगवान मुझे उठा लो, कहाँ कमी रह गई थी मेरे परवरिश में। मामा तुम क्यों रो रही हो? अब तुम रो क्यों रही हो? हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो से मैं आप सबको ये बोलना चाहती थी कि लॉकडाउन ज़रूर खुला है गाइस, बट प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक प्रॉपर प्रिकॉशन व्हेनेवर यू आर गोइंग आउटसाइड, बिकॉज द कोरोना वायरस केसेस आर ग्रोइंग इन इंडिया, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी वेरी केयरफुल। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड फॉर मोर कंटेंट स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।